हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्प टेकर। हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को पे करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया गया है और उस क्वेश्चन को आप करिए और जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब में सलेक्शन पक्की हो। ठीक, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, तो वीडियो को आप एक बार देखते जाइए और उसके आंसर जल्दी जल्दी देते जाइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई, डी है मद्रास। ठीक, राइट आंसर इसमें बताइए। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई, डी है मद्रास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली। देखिए, इस पर टिक लग गया और ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, ये मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? 11 का बी हो जाएगा। ठीक, ये मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये हो जाएगा बी, दिल्ली। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंगूरों को उत्पादन संबंधित है। ए है पीसी कल्चर, बी है एपी कल्चर, सी है सेरी कल्चर, डी है विटी कल्चर। देखिए, एक बार और से कर दे रहे हैं कवर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। ए है पीसी कल्चर, बी है एपी कल्चर, सी है सेरी कल्चर, डी है विटी कल्चर। अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, विटी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक बार वीडियो को बार बार क्या करें, रिवाइज करके देख ले। ठीक, दो तीन बार वीडियो देख लेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा सारे सारे क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? डी, विटी कल्चर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं? आकुलिस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे बोला है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। ठीक, ये है आकुलिस्ट। अभी जो है थोड़ा सा ये इसमें रहेगा, एक में रहेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट रहेगा। ठीक, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये एक में रहेगा। ठीक, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट रहेगा। ठीक, सी है, सी क्या है, और सी जो है विकल्प वो है अनीरोलॉजिस्ट। ठीक, डी है एंटमोलॉजिस्ट। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए है रांची, बी है राजमुंद्री, सी है इज्जत नगर, डी है कोयम्बटूर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, इज्जत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए, साइंस टॉप 10 क्वेश्चन को उठाया गया है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ए है ऑस्टियोलॉजी, बी है आर्निथोलॉजी, सी है ऑप्टिक्स, डी है सिस्मोलॉजी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्निथोलॉजी। ठीक, ये बी वाला क्या हो जाएगा, ऐसे सही हो जाएगा। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया गया है? आर्निथोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है। आप लोग वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार देखिए। ठीक, बार बार उसको रिवाइज कीजिए क्वेश्चन को, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे सारे सारे क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए है धनबाद, बी है वाराणसी, सी है रजगौड़ा, डी है गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ठीक, इसका राइट आंसर गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए है करनाल, बी है कोयम्बटूर, सी है जमशेदपुर, डी है कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, करनाल। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांस है बार बार एग्जाम में। ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? ए है करनाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वायरस का अध्ययन कहलाता है? ए है वायरोलॉजी, बी है कॉस्मोलॉजी, सी है मेट्रोलॉजी, डी है इकोलॉजी। ठीक, ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, ये जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को क्या बोलते हैं? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, BARC को बोलते हैं। स्थित कहाँ है? ट्रांबे में। ए है ट्रांबे बोलना, बी कलपक्कम, सी नागपुर, डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रांबे में। ठीक, ट्रांबे कहाँ पड़ेगा? ये मुंबई में है। ठीक, तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई, ट्रांबे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के इसका राइट आंसर देना है। टॉप 10 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिख लें। एक तरह से ये आपको
होमवर्क काम करेगा, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जैसे शुरू करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ए है दिल्ली में, बी है गुड़गांव में, सी है लखनऊ में, डी है राजमुंद्री में। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें इस क्वेश्चन के आंसर को। और चैनल पे नए हैं चैनल पे करके सब्सक्राइब जरूर जरूर कर ले। ठीक, अब वीडियो को लाइक कर दे, एक लाइक तो मांगते हैं यार, और तो कुछ कहते नहीं, लाइक कर दो, अब वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट जरूर जरूर करो। ठीक, और नोटिफिकेशन के लिए क्या करो, घंटा जरूर जरूर दबा दो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।